The deity has spoken. From now on, it is forbidden to cut down mangrove trees. Fishing in Akajas is forbidden. Assalamu alaikum dosto. Mera naam hai Haseeb Shafkat aur aap dekh rahe hain Hasee TV. आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिफरेंट है क्योंकि ये अफ्रीकन ब्लैक मैजिक के बारे में है जिसको वहाँ पर वोडू के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के लोग हर साल इसके अलावा साल में कई बार भी एक ख़ास किस्म का त्यौहार मनाते हैं जिसे वोडू डांस फेस्टिवल या जेंगा बैटो भी कहते हैं। इस फेस्टिवल में हम कुछ ख़ास किस्म की कॉन्स को देखते हैं जिस पर सूखी घास से ख़ास किस्म का ऐसा ड्रेस तैयार किया जाता है जो कि ख़ास तौर पर इस डांस को परफॉर्म कर सके, और इन लोगों का मानना है कि इनके मर चुके रिश्तेदारों की रूहें इन कॉन्स के अंदर आकर ये डांस करती हैं, इनसे बातें करती हैं और पूरा साल इनको तमाम किस्म की ईवल स्पिरिट्स या बदरुओं से भी बचाती हैं। असल में ये अफ्रीकन लोग जोंगा बैटो खुदा की पूजा करते हैं और इनका मानना है कि ये जोंगा बैटो इनके तमाम रिश्तेदारों की रूहों को यहाँ पर भेजता है और इनको कंट्रोल करता है, इसीलिए इसके नाम पर कुर्बानी भी की जाती है, इन स्पिरिट्स को सजदा भी किया जाता है और सोशल मीडिया पर इनके डांस की कई वीडियोस जो काफ़ी मिस्टीरियस हैं यकीनन आप में से काफ़ी लोगों ने देखी होंगी, जिनमें देखा जा सकता है कि इन कॉन्स के अंदर डांस करती स्पिरिट्स या रूहें इस वक्त गायब हो जाती हैं जब इन कॉन्स को ऊपर उठाया जाता है और नीचे कोई भी शख्स मौजूद नहीं होता। पर सवाल ये है कि क्या ऐसा वाकई मुमकिन है? क्या ये लोग जो कुछ इनके बारे में क्लेम कर रहे हैं क्या वो सब कुछ सच है या फिर लोगों की नज़र का धोखा है, जैसे हज़ारों सालों से लोगों की जहालत का फ़ायदा उठाकर मज़हब को एक बिजनेस के तौर पर जैसे पहले इस्तेमाल किया जाता रहा बिल्कुल आज के टाइम के अंदर भी वैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम सबूतों के साथ इन स्पिरिट्स और ब्लैक मैजिक की हकीकत को जानेंगे और वीडियो के आखिर तक आप पर इनकी हकीकत बिल्कुल वाज़े हो जाएगी। तसव्वुर करें कि एक बड़ी कौन हो जो कि खाली हो मगर वो डांस कर सकती हो, लोगों से बातें करके अपना हुक्म सुना सकती हो जैसे नबी अल्लाह का हुक्म सुनाया करते थे, वो पुलिस फोर्स के तौर पर काम करती हो, लोग इसे सजदे करते हैं और नाइट गार्ड्स यानी रात का रखवाला कहकर लोग इसकी इबादत करते हो, बिल्कुल बैटमैन सुपर हीरो की तरह। जी हाँ, ये कोई फिक्शन या फिल्म की कहानी नहीं है बल्कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में वेस्ट अफ्रीका के मुल्क घाना, बेनिन, टोगो और नाइजीरिया के अंदर एक खास किस्म के मजहब के मानने वाले लोग मौजूद हैं जो कि जोंगा बैटो खुदा की इबादत करते हैं और हर साल इनके मुताबिक ये जोंगा बैटो खुदा इनकी कुर्बानी और नजरानों से एक त्यौहार की सूरत के अंदर खुश होकर इनके मर चुके रिश्तेदारों की रूहों को इन बेजान कॉन्स के अंदर इनकी रूहों को दाखिल करके लोगों से इनकी मुलाकात करवाता है। ये इन्हें तोहफे भी देता है, मिसाल के तौर पर छोटे जानवर, एलिगेटर वगैरह, कैंडीज या कोई खिलौने वगैरह। इन स्पिरिट्स के डांस के अंदाज और स्किल से शायद ही कोई शख्स हो जो कि इनके वजूद पर यकीन ना कर पाए, पर दोस्तों हकीकत वो नहीं है जो कि आप समझ रहे हैं, क्योंकि अगर आसान अल्फाज के अंदर मैं आप सबको इनकी हकीकत बताना चाहूं तो इसका जवाब है कि हाँ भी और ना भी। ये सच है कि अगर ब्लैक मैजिक इस वक्त अपनी असली हालत के अंदर कहीं पर मौजूद है तो वह अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, खास तौर पर काला जादू, ये एक हकीकत है। जादू का मतलब है शैतानी जिन्नात से मदद मांगना, और जिस शख्स से दुआ और मदद मांगी जाए वही उस शख्स का माबूद और उसका खुदा होता है, इसीलिए जादू करने और करवाने वाले दोनों काफिर हो जाते हैं और शैतानी जिन्नात इंसानों से खुश होकर इनके हर गलीज काम के अंदर इनकी मदद करते हैं और इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक लोगों को तकलीफ पहुँचाने के साथ साथ इनकी मौत की वजह भी बन सकते हैं। असल में शैतानी जिन्नात का मकसद सिर्फ इंसानों के अंदर शिर्क को फैलाना होता है ताकि अल्लाह की ज़ात पर इनका यकीन ख़त्म हो जाए। ये तमाम शैतानी जिन्नात इबलीस के पैरोकार होते हैं, ना कि नेक जिन्नात। मैंने कई कई घंटों की वीडियोस बैठकर देखी और इस फेस्टिवल की हकीकत को जानने की कोशिश की कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि हमारी आंखों के सामने एक बेजान चीज़ के अंदर अचानक से यूं हरकत आ जाए। ये चीज़ तो कानून कुदरत और साइंस के कवानीन के भी खिलाफ है, और इसके बाद मुझे जो कुछ मिला वो वाकई में आपको भी हैरान कर देगा। देखें, जिन्नात का वजूद एक हकीकत है, वो हमारे साथ इसी दुनिया के अंदर रहते हैं लेकिन किसी और डायमेंशन में। हम इंसान अपनी ज़ाहरी आंखों से जिन्नात के वजूद को नहीं देख सकते पर वो हमें देख सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई जिन इंसानी शक्ल के अंदर या फिर फिजिकल वजूद के अंदर आ जाए तो फिर उसे देखना मुमकिन है। ये शैतानी जिन्नात इंसानों के साथ एग्रीमेंट करके या फिर मुआहदा करके इनकी मदद भी करते हैं, मगर सिर्फ इन कामों के अंदर जो कि इंसानियत के खिलाफ हों और ख़ुद उस इंसानी जादूगर के भी खिलाफ हों जो कि ये काम कर रहा है, और इसी को कहते हैं जादू। मगर जिन्नात इस तरह से खुलेआम कभी भी दुनिया के सामने खुद को तमाशे की सूरत में जाहिर नहीं करते और इनका दुनिया के इंसानों से पर्दा रखा गया है। सो ये फेस्टिवल और ये टैलेंटेड वीडियो जो कि आप देख रहे हैं, आप इसे जादू नहीं कह सकते बल्कि सर्कस कह सकते हैं।
ये लोग आपको ट्रिक करके आपके दिमाग के साथ खेलते हैं और इन कॉन्स के अंदर असल में एक शख्स को छुपा कर बिठाया जाता है और ये खास किस्म के इशारे से हिला हिला कर इस कॉन के अंदर मौजूद शख्स को अंदर और बाहर जाने का इशारा देते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। वैसे तो मैं बहुत ही डिटेल के अंदर एक एक पॉइंट को साबित करके इसको ड्रामेबाजी साबित कर सकता हूं, पर टाइम बचाने के लिए मेरे पास एक एक पॉइंट है, आप बस इन्हीं पर गौर करते जाएं तो एक एक करके इनकी हकीकत बिल्कुल शीशे की तरह क्लियर कट आपके सामने होगी। अब इन कॉन्स का वजन तकरीबन 10 किलोग्राम होगा, जिसे 5 या 6 लोग मिलकर उठाते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक कमजोर सा बंदा छिपकली की सूरत में चिपक कर बैठा होता है और ये खास किस्म के लोग होते हैं जो इसे उठाने का काम करते हैं, जैसे सर्कस में काम करने वाला स्टाफ जो कि इन कॉन्स को हिलाने और इन्हें ऑपरेट करने का काम करता है। ये इस काम के लिए इस तरह से ट्रेंड होते हैं कि लोगों को इस कैमरा एंगल से दिखाएं कि ये सब कुछ देखने के अंदर रियल लगे, और अगर कोई बंदा ये सब कुछ पहली बार देखे तो इसे हकीकत समझ ले, क्योंकि खास तौर पर टूरिस्ट जो कि बाहर से इसे देखने के लिए आते हैं बिल्कुल एक स्टेडियम की तरह इस डांस को स्टेडियम के अंदर ही बैठकर देख सकते हैं, वो भी दूर से, इनको करीब आने की इजाज़त नहीं होती। अब इन कॉन्स के स्ट्रक्चर को भी आप जरा वाजे तौर पर देखें, इनको कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अंदर मौजूद शख्स को सपोर्ट मिले इस एक्सट्रीम किस्म के डांस के लिए। इन कॉन्स के अंदर मौजूद ये शख्स इन सपोर्ट्स को पकड़कर इस तरह के एक्सट्रीम डांस को कर पाते हैं, और वैसे भी किसी अच्छी खासी सपोर्ट के बगैर ये डांस करना मुमकिन नहीं। वैसे मुझे अपने घर की सफाई के लिए अगर ये बंदा मिल जाए तो क्या ही बात है। वैसे अगर आपको अभी भी यकीन ना आए तो मुझे एक वीडियो मिली है जिसके अंदर इन लोगों से एक बहुत बड़ी गलती ये हुई कि मिसकम्युनिकेशन की वजह से इन्होंने अंदर मौजूद शख्स को बाहर निकलने का मौका ही नहीं दिया और इस कॉन को फौरन से उठा दिया, तो ये बंदा अभी तक अंदर ही बैठा था। जरा गौर से देखें इस वीडियो को। ये स्पिरिट शायद अपना बारीक पिन वाला चार्जर यहाँ पर भूल गई होगी। एक और चीज़ के फेस और चेहरे की तरफ से ये विंडो रखने का इस ड्रेस के अंदर आखिर क्या मकसद है? क्या रूहों को कौन सा बाहर का रास्ता देकर या रास्ता तलाश करके इस डांस को करने की ज़रूरत है? अब कमाल तो ये है कि इन छोटी छोटी चीज़ों को स्पिरिट से जोड़ा जाता है, और ये मजाक नहीं तो और क्या है कि वाजे तौर पर आप देख सकते हैं कि अंदर से कोई खिलौना या कोई कछुए जैसा जानवर बाकायदा चल रहा है, इसकी चाल को देखा जा सकता है। छोटी सी एक गुड़िया जिसके हाथ ऊपर नीचे बार बार हरकत कर रहे हैं, इसको भी स्पिरिट से जोड़ा जा रहा है। हालांकि वाजे तौर पर आप ये देख सकते हैं कि ये एक खिलौना या एक छोटा सा टॉय है जिसके हाथों के मूवमेंट बिल्कुल ऐसे ही होती है। अब जरा इन वीडियोस पर गौर करें कि अंदर चलते हुए शख्स के जिसामत और बाजू को वाजे तौर पर हरकत करते हुए देखा जा सकता है, और मैंने कई बार कोशिश की कि इस पूरे प्रोसेस को ऑब्जर्व करूं कि जब इस कोन को यहाँ पर लाकर रखा जाए, हर तरफ से इसको खोलकर दिखाया जाए, मगर जैसे ही बाहर से इसे तैयार करके रखने की बारी आती है तो वीडियो रिकॉर्ड करने वाला शख्स कैमरा एंगल को बदल कर इसे फौरन से कहीं और ले जाता है। जरा गौर करिएगा, ये बता रहा है कि दाल के अंदर कुछ तो काला है। असल में ये तमाम शोधाबाजी वही सदियों की फरसूदा जहालत का असर है जब हजारों साल की तारीख के अंदर लोगों को शोधाबाजी से गुमराह करके एक मजहब को एक बिजनेस की तरह से इस्तेमाल किया जाता रहा, और अफ्रीका के अंदर क्योंकि ये जहालत अरूज पर है और मीडिया और सोशल मीडिया का जोर नहीं, लिहाजा ये शोधाबाजियां अभी तक वहां पर चल रही हैं। अब देखें कि ये कल्चर या जादू किसी तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर ये लोग आज तक एक्सपोर्ट नहीं कर पाए कि बाकी दुनिया भी इससे फायदा उठाती, पर हाँ बरे सगीर पाको हिंद के अंदर ये आज भी एक्सपोर्ट हो सकता है, खास तौर पर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर जहाँ पर मजहबी जहालत आज भी मौजूद है। असल में लोगों की तोम परस्ती का फायदा उठाकर इस तरह के पुजारी इन तमाम नजरानों, दौलत और लोगों की कुर्बानियों का दौलत की सूरत में फायदा उठाते हैं। लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि अगर ये वाकई स्पिरिट्स हैं और इन लोगों की कोई मदद कर सकती हैं तो क्या अफ्रीका दुनिया के सबसे गरीब कॉन्टिनेंट में से एक होता? क्या इनके मुल्क दुनिया के सबसे गरीब मुल्कों में से एक होते? ये इन गरीब लोगों के लिए दौलत का इंतजाम क्यों नहीं कर सकती? इनको चुन चुनकर तोहफे भी वो देती हैं जो कि इनके मुल्क के अंदर पहले से मौजूद हैं, मिसाल के तौर पर जानवर, टॉफियां या कोई खिलौने, कोई सोने चांदी, कोई अमेरिकन जर्मन गाड़ियां, कोई आईफोन इनको तोहफे के अंदर क्यों नहीं देते? चलो ये तो मजाक की बात थी, इनको पीने का साफ पानी, इनके लिए बिल्डिंग्स या घर क्यों नहीं बना देते? अब ऐसा नहीं है कि इस तरह की बदरुएं ऐसी कॉन्स के अंदर आकर कोई भी काम या कोई भी डांस नहीं कर सकती, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, ये इम्पॉसिबल नहीं है, और जब ऐसा होगा तो ये शैतानी जिन्नात होंगे जो इनके रिश्तेदारों की शक्ल के अंदर इनके सामने भी आ सकते हैं, ख्वाब के अंदर भी या किसी इंसान की सूरत में भी। ये बात कुरान हदीस से साबित है कि अल्लाह ने इनको ये इख्तियार दिया है, मगर जहाँ तक इस डांस फेस्टिवल का ताल्लुक है, इस तरह के कई शोज ब्रिटिश गॉड टैलेंट, ब्रिटेन गॉड टैलेंट या इवन के जैक किंग एक मैजिशियन ऐसे ट्रिक्स को परफॉर्म करता है जो कि प्योर जादू लगते हैं, पर ये लोग ऑनेस्ट हैं और कहते हैं कि ये जादू नहीं बल्कि माइंड गेम्स हैं, हम आपके दिमाग के साथ खेलते हैं, ये नज़र का धोखा है जिसको एल्यूजन कहते हैं।
अब इस वीडियो को जरा गौर से देखें कि जब एक शख्स को कोन के अंदर मौजूद कैमरा के अंदर ना नजर आने वाले हिस्से के अंदर छुपा कर ले जाया जा रहा है, मगर वो हिस्सा ये एंगल इस तरह से रखा गया है कि सामने मौजूद शख्स को भी इस कोन के अंदर मौजूद कुछ भी नजर ना आए। इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल इन वीडियोस को आपको एक एंटरटेनमेंट या जहालत से ज्यादा कोई अहमियत नहीं देनी चाहिए। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।